खबर है मिर्जापुर से। बैंक का कर्ज और शराब की लत ने पिता को बनाया हत्यारा। चार बच्चों संग पिता ने खाया जहर। पिता और उसके दो बच्चों की उपचार के दौरान हुई मौत। दो बच्चों को गंभीर अवस्था में वाराणसी किया गया रेफर। थाना चुनार में काशीराम आवास में रहने वाले राजेश ने मंगलवार की दोपहर अपने चार बच्चों को भोजन के लिए बुलाया और उससे पहले ही विषाक्त पदार्थ मिला अपने बच्चों को भोजन खिला दिया। घटना के समय राजेश की पत्नी गीता भी अपने काम पर गई थी। जहर के असर से बच्चे उल्टी करने लगे। उनकी हालत देख पड़ोसी उन्हें लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत देखते हुए मंडली अस्पताल रेफर कर दिया। मंडली अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने पिता राजेश 30 वर्ष, धीरज 5 वर्ष और सुमन 6 वर्ष को मृत घोषित कर दिया, जबकि विजय 8 वर्ष एवं साधना 9 वर्ष को वाराणसी रेफर कर दिया गया। पेशे से राजगीर राजेश की पत्नी गीता, कल से उसका विवाद हुआ था। घर में कहले का कारण बैंक से लिया गया कर्ज था, जिसकी देनदारी राजेश के ऊपर थी और उसे कल लेने बैंक से कुछ लोग आए थे। गीता का कहना था कि राजेश अक्सर उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता था और उसकी वजह भी लिया गया कर्ज ही था। पति सहित दो बेटों को गंवा चुकी गीता को समझ नहीं आ रहा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी और उससे पति सहित दो बच्चों को खोना पड़ेगा, जबकि दो की हालत अब भी गंभीर रूप से घायल है। मिर्जापुर से नई वासी की रिपोर्ट। अभी मैं अस्पताल में आया था और हमारे साथ एक साथ भी मौजूद है। यहाँ पर ये पता चला कि चुनार में काशीराम कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके दो बच्चों की जहर खाने से मौत हो गई है और दो बच्चे बनारस हॉस्पिटल में भर्ती हुए। सर, ये कैसे जहर खाए, कौन, मतलब क्या है, इसको डिटेल मिल पाया क्या? नहीं, इसकी जाँच की जा रही है, क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। अब तक में कितनी मौतें हो चुकी हैं सर? अब तक कुल मिलाकर 3 मौत हो चुकी है। और कितने लोग अभी गंभीर हैं? दो की हालत सीरियस जान करके डॉक्टर ने उनको बनारस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। अच्छा, इसका अभी रीजन नहीं पता चल पाया कि अभी जांच की जा रही है, अभी वास्तविक रीजन नहीं बताया जा सकता, इसके बारे में जांच की जा रही है।